पति से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सकी थी, इस कारण फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपत्ति के सामने शर्त रखी। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने दोबारा ऐसा अपराध किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था। The bail application of both Ravi Rana and his wife Navneet Kaur Rana has been allowed by the court. They have been directed to be released on bail in the sum of Rs 50,000 with one more sureties of like amount. There are certain conditions which have been imposed by the court. Number one condition is that they shall cooperate with the investigation by making their attendance available to the police station. Police station is directed that whenever you require their attendance, you should issue a notice in advance of 24 hours, which can be delivered to them at either personally or through their mobile or through advocate. And the other condition is that they shall not tamper, they shall not hamper. One very important condition is, which you people should also adhere to, that they are not supposed to address the press on any subject matter.